नमस्कार दोस्तों, मैं रविन गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज 14वां दिन है और आज आपके बीच में एक जबरदस्त टॉपिक को लेकर के आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। जैसे कि आज की डेट में मैंने कुछ समय पहले स्टार्टअप किया हुआ है, आज उसका धीरे धीरे करते करते आज 14वां दिन आ चुका है और रोज नया टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। आप कैसे काम करें इसको लेकर के डे बाय डे मैं कुछ ना कुछ नई नई टिप्स, नई नई जानकारी आपके बीच में शेयर करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में जो नेटवर्कर होते हैं उनमें कौन से ऐसे 5 गुण जो बहुत अहमियत रखते हैं, उनमें होने बहुत जरूरी है। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आप ये समझ ले कि आपकी सफलता ही नहीं, आपके लिए जीवन में बहुत लोग बहुत ताली बजाएंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत सम्मान मिलेगा। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आना मजबूरी है सिस्टम की, लेकिन ये 5 गुण आपके अंदर होने बहुत जरूरी है। वो 5वें गुण कौन कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहला है सर में बर्फ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, कई सवालों का जवाब या उसकी टीम या उसके क्रॉस लाइन या उसके अपलाइन उससे पूछते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आप ये जान लीजिए कि सर में आप बर्फ रखें, यानी सर को आप इतना ठंडा रखें कि किसी भी प्रकार के लोग आपके पास आएंगे, कुछ भी बातें करेंगे और आपको गुस्सा नहीं होना है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनका काम क्या होता है, जस्ट लाइक धोबी की तरह, और धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े नहीं आते हैं, उनके पास मैले कुचले कपड़े आते हैं। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग आपसे मिलेंगे वो बहुत सारे अनुभवी लोग होंगे, हो सकता है एक्सपीरियंस में नॉलेज में आपसे ज़्यादा आए, आपसे तरह तरह की एक्सपीरियंस होल्डर हो सकता है, डॉक्टर्स आ जाएँ, एडवोकेट आ जाए, CA आ जाएँ, हो सकता है प्रोफेसर्स आ जाएँ, हो सकता है बहुत ही अनपढ़ लोग आ जाएँ, जाहिर लोग आ जाएँ, हर तरह के लोग आपको सामना करने को मिलता है। उनके सवाल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपको हर का जवाब अपने दिमाग में ठंडे रख करके बहुत प्यार से विनम्रता से जवाब देना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है मुंह में मिश्री। मिश्री आप जानते हैं बहुत मीठी होती है और मीठा किसको नहीं पसंद है साहब, सबको पसंद है मीठा, तो कोई नहीं चाहता है कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे, कोई नहीं चाहता है कि उससे कोई तीखी आवाज में बात करे। मिर्ची अच्छी है लेकिन लोगों को पसंद नहीं है मिर्ची, लोगों को मीठा पसंद है। तो आप अपने मुंह में मिश्री रखें ताकि आप लोगों के साथ में बहुत ही मीठे तरीके से बात करें, जितना मीठे से आप बात करेंगे उतनी आपकी गुडविल आगे बढ़ेगी। तीसरा है कि पैर में चक्का, पैर में चक्का होना चाहिए, यानी कि आपकी रफ्तार हमेशा चलती रहनी चाहिए, डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते जाइए, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते जाइए, नए नए स्टेशन पे काम करना स्टार्ट करिए, किसी एक लीडर के ऊपर निर्भर न रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी गति के आधार पर आपकी टीम की गति का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। आंखों में सपना, जो लीडर होते हैं, जो विजनरी माइंड होते हैं, उनकी आंखों में हमेशा सपने होते हैं, वो हमेशा विजन देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी आंखों में सपने होते हैं, वो सपने दिखाते हैं क्योंकि वो विजनरी माइंड होते हैं। आपके अंदर अगर सफल नेटवर्कर बनना है तो आपके आंखों में हमेशा एक ड्रीम होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए, जितना बड़ा ड्रीम होगा उतने बड़े आपके काम करने की स्पीड होगी। और 5वां है हाथों में कलम की पावर, आपका प्लान दिखाना एकदम पावरफुल होना चाहिए क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपका मार्केटिंग प्लान। आपको प्लान दिखाना बहुत ही माहिर होना चाहिए कि 2 मिनट में आप प्लान कैसे दिखाएं, 5 मिनट में प्लान कैसे दिखाएं, 10 मिनट में प्लान कैसे दिखाएं, आधे घंटे में प्लान कैसे दिखाएं और 1 घंटे में प्लान कैसे दिखाएं। आपको इस पर अपनी कार्य करने की शैली, यानी इस पर आप स्पीड लाएं, आप 2 मिनट में प्लान को ड्रॉ कर दें, 5 मिनट में प्लान को ड्रॉ करें, जितनी ज्यादा आप इस पर महारत हासिल करेंगे सफलता की स्पीड आपकी उतनी ज्यादा होगी। आज के लिए ये जो 5 टॉपिक है इसको आप गाढ़ बांध दें क्योंकि ये आपकी सफलता का मेन का पत्थर साबित होगी। इसको आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी टीम में ताकि बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारियां मिलती जाए, ताकि वो भी एजुकेट होते जाएं, क्योंकि एजुकेशन आपकी अर्निंग का सबसे बड़ा स्रोत है। जितनी ज्यादा लोग आपके टीम में एजुकेट होंगे, शिक्षित लेंगे, इतना ज़्यादा आपका ग्रो होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर से आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।